तुम्हारा फोन कब से बज रहा है, उसे उठाते क्यों नहीं? बाद में उठाता हूँ, अभी मैं कुछ बहुत ही जरूरी काम में लगा हुआ हूँ। कोई नया बिजनेस आइडिया है क्या? पर इतने फोन कर कौन रहा है? वो वित्तीय बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए मैंने लोन उठाए थे ना, उसी के लिए ये लोग बार बार फोन कर रहे हैं। लोन? तुमने बताया नहीं लोन के बारे में। तुम नहीं समझोगी, बड़े फायदे के लिए छोटा रिस्क लेना ही पड़ता है। मेरे कुछ बड़े सौदे सही पड़ जाने की देरी है, तब लाभ ही लाभ होगा, फिर लोन भी उतार दूंगा और घर में अच्छे पैसे भी आ जाएंगे। बस थोड़ा समय चाहिए। पर अगर बाजार में पैसे नहीं बने और डूब गए तो हम पैसे वापस कैसे करेंगे? शांति रखो ना, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। ये देखो बाजार का रुख अब मेरे हित में हो रहा है। बाजार के रुख में सिर्फ सुख ही नहीं दुख भी मिल सकता है बेटा। लोन लेके ट्रेडिंग करना कोई समझदारी का काम नहीं है। सौदे करने से पहले क्या तुमने ठीक से रिसर्च की है? मैं रिसर्च पर समय लगाऊंगा तो ट्रेडिंग के कुछ सुनहरे मौके छूट सकते हैं, इसलिए मैंने कई सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब किया है जो दमदार ट्रेडिंग कॉल्स देने का दावा करते हैं। अरे ये क्या, मार्केट फिर से गिरने लगा? ऐसे तो मैं लूट जाऊंगा, मुझे लगा था इस बार बड़ा मुनाफा होगा, अब लोन्स कैसे चुकाऊंगा मैं? हे भगवान, जल्दी मुनाफे के लालच में अक्सर नुकसान हो जाता है। अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स या एनालिस्ट के ट्रेडिंग टिप्स पे विश्वास न करें। ट्रेडिंग करने से पहले रिसर्च जरूर करें, समझदार बने, सही निवेश करें।